चुनावी माहौल में हर पार्टी अपने मुद्दों को अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंचा रही है। चुनावी जनसभाओं में और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नेता विपक्ष पर, प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करने में लोग लगे हुए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने विरोधियों को घेरने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है। आपको पिछले साल हुए प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर याद होगा, जहां बीजेपी ने लबरा राजा नामक वेब सीरीज जारी की थी। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से इसका दूसरा सीजन जारी किया गया है। राजनीतिक सीरीज, राजनीतिक कटाक्ष की दूसरी सीरीज आई है। देखिए बीजेपी द्वारा जारी की गई लबरा राजा सीजन 2 पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लबरा राजा का 4 एपिसोड वेब सीरीज जारी किया था। इसमें नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी बताई गई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले लबरा राजा सीजन 2 में 4 एपिसोड की सीरीज जारी की गई है। इसमें विधानसभा चुनाव हारने के बाद नेताओं की कहानी का नाट्य रूपांतरण किया गया है। कांग्रेस के सभी लोकसभा प्रत्याशियों के नकली नाम के साथ उनके किरदार का नाट्य रूपांतरण किया गया है। इसमें मुख्य किरदार लबरा राजा है, जिसके बंगले में एक एक कर सभी नेताओं की एंट्री होती है। पहले एपिसोड में चरण लठैत का जिक्र किया गया है, जो 5 साल की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की कहानी बताते हैं। इसमें उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो देश के मुखिया को डंडा मारकर सिर फोड़ने का विवादित बयान देते हैं। वहीं एक पत्रकार की भी एंट्री होती है जो इस वेब सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरे एपिसोड में लेवेंद्र की एंट्री होती है। इसके ऊपर युवा वसूली मास्टर का आरोप लगाया गया है, लेकिन लेवेंद्र केवल पैसा लेता है, देता नहीं है। इसलिए पार्टी ने बदला लेने के लिए भिलाई से बिलासपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने को भेजा है। तीसरे एपिसोड में डामर ध्वज की एंट्री होती है। ये दुर्ग में विधानसभा चुनाव हारने के बाद महासमुंद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वीडियो में आरोप लगा कि बिरनपुर में साहू समाज के एक युवक की हत्या हुई तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी नहीं पहुंचे, इसलिए विधानसभा चुनाव हार गए। तीसरे एपिसोड के अंत में डामर ध्वज को बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना जताई गई है। चौथे एपिसोड में सभी नेताओं की राउंड टेबल पार्टी चल रही है। कवासी चखना पर नकली शराब पिलाने का आरोप लगता है और पुलिस को तीर धनुष से मारने और देश के मुखिया पर विवादित बयान देने का आरोप है। कवासी चखना के साथ लहरिया बैठे हैं। इनके ऊपर आरोप है मंत्री रहते हुए लहरिया की पत्नी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद विनाश की एंट्री होती है। विनाश रायपुर में विधानसभा हारे हैं, अब रायपुर लोकसभा में इनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा घेबर भी इस महफिल में शामिल है। इसका एक भाई हत्या और दूसरा भाई नकली शराब बेचने के केस में जेल में है। इस वीडियो सीरीज को लेकर बीजेपी नेता उज्जवल दीपक ने कहा कि राजा का कंटेंट काफी अच्छा है, मुझे विश्वास है कि लोगों को यह पसंद आएगा, सभी को यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि रोचक कंटेंट जिसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल है अब लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। नॉर्मल जेनरिक कैंपेन जो है वो तो है ही, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चुनावी कैंपेन का, पर अब रोचक एंटरटेनमेंट वो भी वेब सीरीज के माध्यम से कांग्रेस सरकार की के घोटालों और साजिशों का जो उन्होंने उजागर किया है बहुत ही जबरदस्त बनी है वेब सीरीज, आप सबको जरूर देखनी चाहिए। इधर कांग्रेस पार्टी भी डिजिटल लड़ाई के लिए सोशल मीडिया में रोजाना वीडियो बना रही है। कांग्रेस छोटे छोटे वीडियो के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है और हाथ बदलेगा हालात के नाम पर वीडियो सीरीज चला रही है। बीजेपी के लबरा राजा सीरीज पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी पार्टी सभी जगहों पर लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर युवा, महिला, किसान सभी लोग खुश हैं। हमारी पार्टी को लेकर रुझान अच्छा है,